आपके अपने YouTube चैनल रागसाड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो कक्षा 11वीं का 3 अप्रैल को हिंदी का पेपर है। लगातार मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो इससे पहले मैंने दोस्तों आपको क्या है आरोह काव्यखंड गद्यखंड के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए हैं। आई होप आपने उनकी वीडियो देख ली होगी और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। ओके, आज की इस वीडियो में हम क्या है वितान जो आपकी पुस्तक चलती है, ओके दोस्तों, इसके अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। आपको केवल वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, केवल आपको ईयरफोन लगाकर ध्यान से सुनना है। ओके, या नॉर्मल आपको देखना है वीडियो तो आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। ओके, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरा पेपर आपको इन्हीं क्वेश्चनों से आपका रहने वाला है। एज इट इज आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहले अपन देखने वाले हैं सही विकल्प। ओके, तो पहला क्वेश्चन है लता मंगेशकर के पिता का नाम था, तो लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। ओके, नेक्स्ट है लता की स्वरों में है, तो लता के स्वरों में क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा गानपन। ओके, नेक्स्ट है कुई की खुदाई की जाती थी, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुई की खुदाई की जाती थी, किससे की जाती थी, उसका राइट आंसर बसौली से। ओके, नेक्स्ट है कुई की खुदाई करने वालों को क्या कहते थे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या कहते हैं, तो चेजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह भूजल को कुओं से निकाला जाता है कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का राइट आंसर होगा आपका सानम का रीणाजी पानी। नेक्स्ट है आपका कुई को बांधने वाली रस्सी किस घास के से बनती है, तो कुई की बांधने वाली रस्सी किस घास से बनती है, छीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, कौन सा यंत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वीणा। ओके, नेक्स्ट है गीता गोविंद की रचयिता कौन है, तो कौन है, तो इसका आठवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका आ नंबर का जयदेव। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तातुस क्या थे, तो तातुस थे वो क्या थे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका लेखक। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका मिथिला की। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है आपको रेगिस्तानों की क्या है आपको पूर्ति करना है, वो भी आपको बगल में दी है उनमें से चुनकर। ओके, पहला संगीत के क्षेत्र में लय डेस प्रकार के होती है, तो कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है शास्त्रीय गायन की महफिल डेस की होती है, तो कितने घंटे की होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 घंटे की। ओके, नेक्स्ट है चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है डेस है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चपलता। नेक्स्ट है कुई की खुदाई का काम डेस कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो उसका राइट आंसर आपका चेजा। ओके, नेक्स्ट है सीधे बरसात से मिलने वाला पानी डेस है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर पालर पानी। ओके, नेक्स्ट है तातुस के यहाँ बेबी हालदार को डेस ने काम दिलवाया, तो किसने काम दिलवाया, इसका राइट आंसर आपका सुनील। नेक्स्ट है बेबी हालदार ने कक्षा डेस तक पढ़ाई की थी, तो कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की थी, तो 6वीं से 7वीं तक। ओके, नेक्स्ट है आठवां डेस कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता था, तो कौन सा काल, गुप्त काल। ओके, नेक्स्ट है डेस का संगीत शास्त्रीय नृत्य कुची पुड़ी है, तो किसका है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, डेस से ही शास्त्रीय नेत्र विकसित हुआ है, तो किससे हुआ, तो लोक नेत्र, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं सही जोड़ियां, तो सही जोड़ियां मैं आपको डायरेक्ट बताता जाऊंगा। तो अगर स्वर सामग्री, तो स्वर सामग्री को आपको किससे मिला देना है, तो इसका दोस्तों आपका राइट होगा लता मंगेशकर से। ओके, राजस्थान की रजत मूंजे, तो राजस्थान की जो रजत मूंजे हो जाएगी वो हो जाएगा दोस्तों आपका अनुपम मिश्र से। ओके, लेखक से। फिर आलो अंधारी, तो आलो अंधारी को दोस्तों आपको इसमें मिला देना है आपको इसमें बेबी हालदार से। ओके, क्योंकि लेखक है। फिर विलायत खा, तो विलायत खा को दोस्तों आपको चौथे को आपको दोस्तों मिला देना है आपका सितार वादक, ये आपको विलायत खा है वो सितार वादक है। और बंगला अधिधान है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आपका का नंबर का शब्द कोश से। ओके, इससे आपको मिला देना है। इसी प्रकार से पूरा दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपकी दी हुई है सही जोड़ियाँ। ओके, इनका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ एक वाक्य के। ओके, तो एक वाक्य में पहला है लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है कई बार। ओके, तो क्या है, इसका राइट आंसर गान, उनका क्या है, गानपन। ओके, नेक्स्ट है लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत में कौन सी गायिका का बोलबाला था, तो कौन सी गायिका का बोलबाला था, तो उसका राइट आंसर नूरजहां। नेक्स्ट है रीणा जी पानी किसे कहते हैं, तो रीणा जी पानी किसे कहते हैं, तो इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, पालर पानी और पाताल पानी के बीच के पानी को क्या कहता है, अन्य रूप है, वो हो जाता है आपका रीणा जी पानी। ओके, नेक्स्ट है आपका कुई की चिनाई करने के लिए सबसे उम्दा लकड़ी कौन सी होती है। ओके, उम्दा मतलब अच्छा, तो इसका राइट आंसर आपका सागौन। नेक्स्ट है आलो अंधारी का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, यह उन करोड़ों युवतियों की कहानी है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। छठवां है दोस्तों आपका
कहा तो उसने बेबी को सर्वप्रथम पढ़ने को कौन सी पुस्तक दी, तो कौन सी पुस्तक दी, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर अमार में ये बेला। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन, बेबी हालदार का घर टूटने के बाद उसे उसे किसने आश्रय दिया, तो किसने आश्रय दिया, तो उसका हो जाएगा भोला दान है। ओके नेक्स्ट है आशा पूणा देवी की रचना का नाम क्या है, क्या था, ओके तो क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आकाश माटी। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन चित्र किसे किसे माना जाता है, तो सबसे प्राचीन जो चित्र है वो आपको शैल चित्रों को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कलमकारी किस प्रदेश की चित्रकारी है, जो आपकी कलमकारी हो जाए किस प्रदेश की चित्रकारी है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश। ओके नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं कब तैयार की गई हैं, तो एलोरा की गुफाएं हैं वो कब तैयार की गई हैं, पांचवीं और एवं दसवीं शताब्दी में। ओके नेक्स्ट है भारतीय संगीत किससे संबद्ध है, तो भारतीय जो संगीत है वो क्या है, मूल स्रोत वेदों को माना जाता है। ओके नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, तो सबसे मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, वीणा। ओके नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है नाटी। ओके नाटी। नेक्स्ट है रात्रि में गाए जाने वाले राग कौन से हैं, तो हो जाएगा राग भोपाली। ओके इस प्रकार से हो जाता है। चलिए अपन आगे देख लेते हैं सत्तासत। ओके सत्तासत में दोस्तों आपका पहला है लता मंगेशकर चित्रपट संगीत की अनभिज्ञ संभागी है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कुई का ब्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा होता है। ओके नेक्स्ट है चेलवांजी अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आज भी खड़े हैं तालाब के लेखक अनुपम मिश्र हैं, तो ये पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बेबी हालदार ने अपनी डायरी बंगला में लिखी, तो सातवां हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है बेबी हालदार को सजने संवरने का शौक था, तो आठवां आपका सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है आशापूर्ण देवी की रचना पाखिर खाचा और खचार पाखी है, तो ये आपका नौवां हो जाएगा, जो आपका सत्य हो जाएगा। ओके दसवां है पंजाब की महिलाएं गरबा नृत्य करती, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके क्योंकि गरबा क्या है, आपका गुजरात का है। नेक्स्ट है भीम बैठका के शैल चित्र अभी भी बनाए गए हैं, ओके तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्यारहवां सत्य हो जाएगा। ओके क्योंकि अभी बनाए गए, तो अभी थोड़ी नहीं है, ये तो बहुत समय से पहले से बने हुए। ओके नेक्स्ट है बारहवां रंगोली अल्पना चित्रकला के रूप में है, तो बारहवां क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सामवेद में चित्रकला के निर्देश दिए गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान की महिलाएं गिद्दा नृत्य करती हैं, तो चौदहवां है जो आपका, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवां है आपका लावणी नृत्य अद्भुत केंद्रीय आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या है, कक्षा ग्यारहवीं के लिए मैंने क्या है आपको वितान पुस्तक के क्या है सभी अध्याय के क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तु ने प्रश्न बता दिए हैं। इन्हीं से आपका क्वेश्चन बैंक से मैं आपको बता रहा हूं, और क्या है क्वेश्चन ही बैंक से दो तीन साल से पूरा पेपर ए टू जेड आ रहा है 100%, इसलिए आपको बेहतरीन तैयारी कर लेनी है। ओके क्वेश्चन ही बैंक से आप अच्छी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन कवर कर लिए जाते हैं, जिससे आपको अन्य पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको एज इसी प्रकार से सत्य आ रहा है, तो डायरेक्ट आपको एकदम रखा मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि बनावटी मिले, पूरा आपको यही मिल जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे तुरंत ही आपको पेपर में बन जाएगा। ओके तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। आगे आपको कौन सा टॉपिक समझना है, ओके और किसकी प्रैक्टिस करनी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।